नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय नायक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। डोनाल्ड ट्रंप ने BRICS देशों को दी खुले तौर पर धमकी। डॉलर के खिलाफ कई मुद्रा की कोशिश पर 100% टैरिफ लगाने की दी चेतावनी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने BRICS देशों को खुले तौर पर धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि यदि BRICS देश अमेरिकी डॉलर की जगह अपनी एक नई मुद्रा लॉन्च करते हैं तो वह इन देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। दरअसल 2023 के BRICS शिखर सम्मेलन में BRICS देशों ने एक सामान्य मुद्रा बनाने का प्रस्ताव रखा था जिसे अमेरिकी डॉलर की जगह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस्तेमाल किया जा सके। ट्रंप का बयान इस प्रस्ताव के जवाब में माना जा रहा है। BRICS देशों में भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। इन देशों ने मिलकर एक नया आर्थिक ब्लॉक बनाने की दिशा में काम किया है। 2023 के शिखर सम्मेलन में एक सामान्य मुद्रा बनाने का प्रस्ताव रखा था जिसका उद्देश्य इन देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना था। हालांकि ट्रंप ने इस प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डॉलर के बिना अमेरिका के साथ व्यापार नहीं किया जा सकता और किसी भी प्रयास को विफल किया जाएगा। रूस का समर्थन और डॉलर के खिलाफ बयान इस प्रस्ताव को लेकर रूस ने सबसे ज्यादा समर्थन किया था। रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया था कि वह डॉलर का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करता है जिससे वैश्विक व्यापार पर उसकी पकड़ बनी रहती है। रूस ने BRICS देशों से डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए एक नई साझा मुद्रा बनाने की जोरदार सिफारिश की थी। ट्रंप का यह बयान उसी संदर्भ में आया है जब रूस इस बात का समर्थन कर रहा था कि BRICS देशों को अमेरिकी डॉलर के बजाय एक नई और साझा मुद्रा की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। ट्रंप की धमकी और व्यापार नीतियां, ट्रंप ने अपनी नीति में काफी सख्त रुख अपनाया है। पहले भी ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, साथ ही चीन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने का निर्णय लिया था। BRICS देशों का आर्थिक प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ये देशों के GDP दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और इनका वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान है। इस कारण से BRICS देशों का एक साझा मुद्रा बनाने का प्रस्ताव वैश्विक वित्तीय संरचना में बदलाव का संकेत दे रहा है। हालांकि ट्रंप की धमकी इन देशों के लिए एक चुनौती है जो अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। भविष्य की दिशा, BRICS देशों के लिए ट्रंप की धमकी एक गंभीर स्थिति हो सकती है, लेकिन ये देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं। ट्रंप का बयान इस बात को लेकर चिंता पैदा कर सकता है कि क्या BRICS देशों को अपनी नई मुद्रा को अस्तित्व में लाने में सफलता मिलेगी या अमेरिका के दबाव में वे पीछे हट जाएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या BRICS देश ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज कर एक नई मुद्रा की दिशा में काम करेंगे या वे अमेरिकी डॉलर के साथ व्यापार के रास्ते को खुले रखने का विकल्प चुनेंगे। आने वाले समय में इस मामले की परतें खुलेंगी और वैश्विक आर्थिक संरचना में बदलाव का असर साफ नजर आएगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।